हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर विशाल गौर। और आज शुरुआत करते हैं अपन ये केदारनाथ ब्लॉग की, तो शुरू से आखिरी तक छोटी छोटी डिटेल्स भी इसमें तुमको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो भाई तीर्थ जाने वाले धार्मिक लोगों को नमस्कार, और वांडरलस्ट वाली अपनी जेंजी व्हाट्सअप बॉडी। सफर की शुरुआत होती है भाई ट्रेन से होगी, अगर आप मिडिल क्लास हो, और ये ट्रिप पूरी बजट होने वाली है क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। तो बिल्कुल मिनिमम खर्चे में क्या क्या कर सकते हैं वो सब बताएंगे। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है केदारनाथ यात्रा की, वो है घर से निकलना। तो अगर घर से आप निकल गए हो फिर तो सब हो ही जाएगा इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गूगल का हेल्प लेते रहें, वेदर चेक करते रहें, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल भगवान भरोसे ही आ गए, क्योंकि भगवान भी तुम्हारे भरोसे ही है। तो वेदर चेक करो, जब कुछ सब कुछ सही हो तो मस्त प्लान बनाओ। तो ट्रेन से आने के लिए यहाँ पे नियरेस्ट स्टेशन जो है वो हरिद्वार या ऋषिकेश है, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश एक ही साइड आता है, सिर्फ उनका एक घंटे का रास्ता है। तो ज़्यादातर ट्रेन जो है उनका लास्ट स्टॉप हरिद्वार होता है, तो वो ले सकते हो। अगर ऋषिकेश तक की है तो वेल एंड गुड, और दूसरा स्टॉप जो है वो देहरादून है, तो हरिद्वार भी आ सकते हो आप, या फिर देहरादून भी आ सकते हो, आपके घर से जो भी स्टेशन पास होगा। हम लोग हरिद्वार आए थे, हरिद्वार से हमने बस किया कहाँ के लिए, सोनप्रयाग के लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग का रास्ता है 7-8 घंटे का, किलोमीटर्स कम है, पर यहाँ पे रोड जो है वो पूरा गोल गोल है। आपका कितना हो गया ट्रेन वाला, तो अपना खर्चा मान लो जहाँ से भी आप आ रहे हो। बाकी हरिद्वार से अगर आप आते हो सोनप्रयाग, तो आपका मोटा मोटा पकड़ लो कि भाई 500 से 600 रुपये लग जाएंगे। तो हमारा सफ़र बहुत इजीली कट रहा था, क्योंकि भाई जो उत्तराखंड व्यू है यहाँ के, मतलब हरिद्वार घुसते से ही बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यार उत्तराखंड का वेदर अच्छा है, यहाँ पे नज़ारे अच्छे हैं, और लोग भी भाई बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पोलाइट। जितना ज़्यादा हो सके तो भाई विंडो सीट लो, विंडो सीट के नज़ारे बहुत सही है, मस्त पूरा उत्तराखंड घूमो, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है उसमें। गढ़वाल आ जाता है उसमें, आपका रुद्रकाशी आ जाता है, गुप्त काशी आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप घूमते हुए आओगे। तो वो सफ़र भी खूबसूरत है, उसकी भी शूट की है कुछ फुटेज, तो वो अभी स्क्रीन पे होगी, वो देख सकते हो। इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी खेतों में लहरावा गुन बन के। अरे बिल्कुल भैया, एक और जरूरी बात वो भी सुन लो, तो सफ़र में इतना मार्जिन लेके चलना है कि अगर ऐसी चीज़ें हो तो तुम्हारा टाइम उसमें एक आध घंटे अगर जाए इधर उधर तो वो कवर हो जाए। बाकी एंजॉय करो व्यू। फिर हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे हरिद्वार से, तो सोनप्रयाग आते आते हमको बज गए थे 3 से 4, तो बढ़िया 3 से 4 बजे हम पहुंच गए शाम को। फिर वहाँ पे होटल स्टे किया, होटल स्टे इन द सेंस क्योंकि हम भाई 5 लड़के थे, तो अपन को बिल्कुल 5-star, 3-star, 2-star वाला होटल तो चाहिए नहीं था, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट ही वही था कि बजट ट्रिप करना है। तो हम लोग ने 200 रुपये पर बेड में डॉर्मेट्री, शेयरिंग डॉर्मेट्री होती है वो की, रात भर वहाँ रेस्ट किया। और सुबह 3 बजे, मतलब वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा डिस्कशन किया था एक रात पहले, तो वहाँ पे लोग ने हमको एडवाइस दी थी, और शायद वो सही भी थी कि जितना जल्दी जाओगे उतना अच्छा है, क्योंकि भाई 6 बजे के बाद यहाँ बाहर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चले जाता है। फिर 4 बजे से हमारी मेनली सफ़र शुरू हो गया था, तो 4 बजे से 6 बजे तक का वो थोड़ा सा कठिन समय था, क्योंकि भाई रास्ते में अंधेरा था, मतलब थोड़ा बहुत उजाला था, टॉर्च वगैरह थी, थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट्स भी थी, पर तो 2 घंटे हमारा जैसे तैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा कि भाई काफ़ी चलते फिरते तो है नहीं अपन, तो थोड़ा सा थकान भी हुई। हम 5 लोग थे तो एक का तो मनोबल ही टूट गया, तो फिर उसने खच्चर कर लिया, तो 2300 रुपये खच्चर का प्राइस है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर खच्चर का प्राइस 2300 है, और हेलीकॉप्टर का प्राइस भी उतना ही है, 2360 रुपये, 2360। खच्चर में ऐसा है कि टाइम 4 घंटे लगेंगे, वो पूरे वही रास्ते से आएंगे जो पैदल यात्री आते हैं, और हेलीकॉप्टर डायरेक्ट आपको 14 मिनट्स की जर्नी है सिर्फ हेलीकॉप्टर की, तो वो आपको उतार देगा सिर्फ मंदिर से 500 मीटर दूर, तो वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप थोड़े से एजेड हो या फिर वैसा कुछ है तो। बाकी वो अपना तो और कॉन्सेप्ट ही नहीं था वो, क्योंकि अपन तो भाई बजट ट्रिप वाले थे, अपन को रास्ते में शूट वूट भी करना था, तो रास्ते तो अब देखो ये जर्नी जो ट्रेकिंग की जर्नी है, क्योंकि भाई 14 किलोमीटर की जर्नी है,
ऐसे हल्के पतले में तो हो नहीं जाती है, तो उसमें जो जो कठिनाई आई वो अभी आप देखो, जर्नी इंजॉय करो, बाकी फिर बताते हैं केदारनाथ, तो घुमाते हैं केदारनाथ आराम से घूमेंगे यार, अपन को जल्दी क्या है। ट्रप चढ़ाई स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, हमने सोचा था सुबह सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे तो ऊपर भीड़ नहीं मिलेगी, पर जैसे तैयार होकर बाहर निकले तो पता चला कि भाई हम लेट हैं, बाहर भीड़ लगी हुई है। हाँ भाई साहब, 4 किलोमीटर हो गया है, 10 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे हो गए, 2 किलोमीटर की पर आर की स्पीड दे रही है हमारी गाड़ी, तो इस हिसाब से पहुंच जाएंगे 7 घंटे में। और बढ़िया है, कोई एडवाइस भाई? पानी पीते रहो, गुड गुड गर्म पानी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तू तो ऐसा एडवाइस दे रहा है, वो नहीं, वो एक्टर से पूछते ना आपकी खूबसूरती राज क्या, पानी पीते रहो। चलो बढ़िया, मिलते ऊपर भाई। कॉफी 40 की मिलती है यहाँ पे, कॉफी 40 की है भाई, पी के आना घर से, मैं तो कह रहा हूँ, और घर पे जो कॉफी मिलती है उसकी वैल्यू करना। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए 7:15, काफ़ी सारी ट्रैफिक हो गई है और हम पहुंच चुके हैं, अरे सॉरी इधर आओ भाई, हम पहुंच चुके हैं इतनी दूर, नीचे चढ़े थे जो केदारनाथ था लगभग 14-15 किलोमीटर, अभी बचा है से 10 किलोमीटर और अगला रेस्ट होगा हमारा रामवाड़ा पे। आधे रास्ते में पहुंच चुके, अभी आधा बचा हुआ है, 8.5 किलोमीटर बचा है। और टाइम क्या हो गया? टाइम हो चुका है 8 बज गए, मतलब हमको ट्रेकिंग करते हुए हो गए 4 घंटे, अभी तक हमने जो जो नोटिस किया वो थोड़ा सा ग्लिम्स हम देना चाहेंगे, जिससे अगर कोई आता है हमारी वीडियो देखते तो उनको ज़्यादा थोड़ी हेल्पफुल है। सबसे पहले तो कि स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर बहुत टफ लगेंगे भाई, उस टाइम पे अगर हार मान गए या घोड़ा खच्चर वगैरह कर लिया तो फिर तुम खच्चर कर लोगे, मतलब हम लोग 5 लोग आए थे, 5 में से अब हम 4 हैं, एक बंदा 2 किलोमीटर से पहले ही खच्चर ले लिया उसने, लेकिन 2 किलोमीटर हमको भी लगा था, हम लोग में से भी किसी को लगा था कि भाई खच्चर ले लेते हैं, पर फिर जो 2 किलोमीटर हुए, सनशाइन हुआ, सनराइज हुआ, फिर उसके बाद नज़ारे वज़ारे दिखे, थोड़ा रिलैक्स हुआ और थोड़ा सा मतलब खूबसूरत सा लगने लगा शहर, तो फिर ट्रैकिंग आराम से हो रही है। तो थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर स्टार्टिंग में धैर्य रखना, और भाई ट्रैक में मेहनत तो है, और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो फिर तो आप पैदल ही आओ। हाँ पैदल ही आओ, रास्ते में बहुत प्यारे नज़ारे तो आपको पैदल ही मिलेंगे। हाँ बहुत प्यारे व्यू है, और उसके बाद कि भाई हाँ यात्रा कठिन तो है थोड़ी सी, मतलब ट्रैक वाइज 16 किलोमीटर का है, तो ऑब्वियसली बात है कि इतना रूटीन में तो कोई चलता नहीं है, और रूटीन में चलेगा तो भी थक जाएगा, और यहाँ पे तो चढ़ाई भी है, तो थोड़ा सा कठिन तो है, तो थोड़ा सी पहले से या तो मॉर्निंग वॉक वगैरह स्टार्ट कर देना या प्रैक्टिस वगैरह कर देना, या फिर ये सोच के आना कि भाई इतना चलना ही है, क्योंकि साइकोलॉजी वैसी रहेगी तो चल लोगे बढ़िया, बाकी भाई पैदल में ही मजा है। और देखते हैं क्या होता है आगे की अपडेट आपको देंगे, हमारे पीछे का मौसम देंगे। टोटली वर्थ इट।
ये देख रहे हो सफ़ेद पहाड़, मतलब लोग इसको स्नो कैप माउंटेंस भी बोलते हैं पर अपन तो सफ़ेद पहाड़ी बोलेंगे। ये जब से दिखना चालू होता है, ये मतलब 4-5 किलोमीटर आप चढ़ोगे तो फिर दिखना चालू हो जाता है, तो ये फिर एक मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। इसको देख देख के फिर आपकी इच्छा होने लगती है ऊपर चढ़ने की, तो तब से हम लोग इसी को देख रहे हैं और इसी का पीछा कर रहे हैं। बस अभी हमारा बचा है, बेस कैंप बचा है हमारा 2.5 किलोमीटर और केदारनाथ बचा है 4 किलोमीटर, तो बस इतना चढ़ लिए हैं, थोड़ा और सही फिर दिखाते हैं केदारनाथ। और भाई इसको देख के अपने विचार थोड़े खोलो, ट्राई करना चाहोगे? लिव लाइफ किंग साइज एंड एंजॉय द व्यू, एंड एंजॉय द व्यू विद वाइट ग्लेशियर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ, सुबह के 8 बज रहे और अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए थे कल सुबह 4 बजे से चढ़ाई स्टार्ट की थी और कल दोपहर में 1 बजे हम लोग पहुंच गए थे, मतलब 9 घंटे में हमने पूरी ट्रैकिंग कंप्लीट की थी, बहुत आराम से की थी, हर 15 मिनट में हमने ब्रेक लिया था तो हमको कोई जल्दी नहीं थी। फिर वहाँ के बाद 2 बजे तक हमको डॉर्मेट्री मिली थी GMVM वाली, तो वो थी 600 रुपये पर हेड वाला, तो 2 बजे आए डॉर्मेट्री, किया बढ़िया, रजाई मिला 2 बजे से। भाई ठंड बेहतरीन थी क्योंकि कल जब हम आ रहे थे तो स्नोफॉल चल रहा था तो टेम्परेचर पहुंच गया था लगभग 1 डिग्री, तो बढ़िया रजाई वजाई ओढ़ के सो गए। शाम को 6 बजे उठे, फिर शाम को आरती मिलाई जो कि लगभग 7 से 8 बजे समथिंग होती है, तो उसके नज़ारे देख लो। फिर उसके बाद वापस जाके भाई खाना वाना खा के सो गए। GMVM वालों का ही खाना है यहाँ पे, तो 200 रुपये पर थाली वो खा लिया अपन ने, और फिर उसके बाद मस्त नींद ली और सुबह हमने प्लान किया था सुबह 4 बजे उठ के लाइन लग जाएंगे क्योंकि लाइन अच्छी खासी होती है यहाँ पे, पर सब बैचलर्स थे तो भाई साहब 7 बजे उठे और अभी 8 बजे बाहर लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं। मस्त अब दिल से दर्शन करेंगे और धूप भी निकल गई है, हम लोग की किस्मत अच्छी है तो मज़े ही आने वाले आज देखो आप। दर्शन के लिए लाइन थोड़ी सी लंबी होती है तो लगभग 2 से 3 घंटा लग सकता है दर्शन के लिए, तो इतना मार्जिन लेके चले या फिर जल्दी उठ जाए, दो ऑप्शन है भाई। हाँ तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन के लिए यात्रियों ने अपनी लाइन लगा रखी है जिसमें बहुत ही लंबी लाइन है और ये काफ़ी दूर तक जा रही है। चले आइए कुछ लोगों से पूछते हैं कि उन्हें कैसे लग रहा है। अब भाई साहब यहाँ पे कितने बजे से लगे हुए लाइन में? मैं लगा हूँ सुबह 8 बजे से। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कैसा? लंबी लाइन है, काफी टाइम लग रहा है उसमें, तो भोले का द्वार बुरा लग रहा है आपको? तो शांत तक खड़े रहेंगे। खाना वाना खाया पिया आपने? नहीं अभी कुछ नहीं खाया, अभी खाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, दर्शन के बाद खाएंगे? तो दर्शन करने के बाद सीधे वापस जाएंगे, क्या करेंगे? ऊपर भोले वहाँ जाएंगे, भैरव बाबा के। चलिए अच्छा दूसरे इंसान से पूछते हैं। हाँ भाई साहब आप बताइए, बोलिए। सर मौसम तो सही है, धूप भी इतनी नहीं है, चश्मे, ये धूप का चश्मा क्यों पहन रखा आपने? भाई साहब देखिए धूप इज टेम्पररी, स्वैग इज परमानेंट। हाँ भाई लाइन में लगे लगे 3 घंटे हो गए अब, या तो लाइन में लगे लगे आप बोर हो सकते हो या फिर ये कर सकते हो।
ये भीम शिला है, ये 2013 में जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो ये बीच में पत्थर आके रुक गया था, इसकी वजह से जो वाटर था वो दो लेवल डिवाइड हो गया था, एक इस साइड इस साइड, तो उस वजह से ये मंदिर पूरा सुरक्षित रह गया था, मतलब पूरा तो नहीं थोड़ा बहुत डैमेज आया था। ये कोइंसिडेंस था, ये चमत्कार पता नहीं, मगर पर अगर ऐसा कोइंसिडेंस है तो मेरे हिसाब से वो भी एक चमत्कार ही है। ये केदारनाथ बाबा है और उसके बाद ऊपर जाके एक भैरवनाथ बाबा का मंदिर है, वहीं पे जा रहे हैं। ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। कैसा लग रहा है भैरवनाथ में? भैया बढ़िया लग रहा है, लोगों ने ऐसी भोकाल मचा रखा था कि इतना है, एक घंटा लग जाएगा, दो घंटे लग जाएगा, अभी चढ़े हैं, 20 मिनट नहीं हो पाए, ऊपर आ गए हैं, वो भी रुक रुक के आए हैं। तो अगर आप आने की सोच रहे हो, बेझिझक आओ, 20 मिनट में आओ, 5 मिनट दर्शन करो, 10 मिनट में वापस हो जाओ, बिना टेंशन की जाना। वेरी गुड। देखो अगर आप केदारनाथ आ रहे हो ना तो बिना भैरव बाबा के दर्शन किए जाना मत, कि दर्शन तभी पूरे होते हैं जब आप भैरव पे आते हो। आपने वहां का भी देखा होगा वैष्णो देवी का, वैष्णो देवी में भी ऐसे ही है, भैरव बाबा 2 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन असली मजा वहीं का है जब आपकी यात्रा पूरी पूरी हो। बराबर। और ये तो ज्यादा ऊपर भी नहीं थे, ज्यादा ऊपर भी वैष्णो देवी तो 3 किलोमीटर था, ये तो 500 मीटर ही है, तो 500 भी नहीं होगा पूरा, बस थोड़ा सा ऑक्सीजन का कम है यहाँ पे लेवल, लेकिन आप आ जाओगे। लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी, कोई दिक्कत नहीं। एक्यूप्रेशर, लोग तो और ऊपर जा रहे हैं यार, ये देखो लोग अपना अपना ट्रैक कर रहे हैं इधर पर, सही है। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, तो भाई जैसे आएगा फट से पता चल जाएगा, और अगर अच्छी लगी हो अभी तक वीडियो देखी हो तो ही लाइक करो, नहीं तो कोई बात नहीं यार, बम बोले।